गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज होने वाला एक फुल डे ऑफ ईटिंग। तो एज हमारा बल्किंग करते हुए 2 महीना कंप्लीट हो गया है आज, तो मैंने सोचा कि अपनी डाइट, मतलब मैं वैसे भी अपनी डाइट में कुछ कैलरीज और बढ़ाने वाला था, क्योंकि ग्रेजुअली हम लोग अपनी कैलरीज बढ़ाते हैं, एकदम से नहीं बढ़ाते हैं। तो मैं कुछ 200 कैलरीज और बढ़ाने वाला हूँ। तो पहले मैं खा रहा था 3100 कैलरीज, अब खाने वाला हूँ 3300 कैलरीज। और आज का जो होने वाला फुल डे ऑफ ईटिंग वो होने वाला है पूरा वेजिटेरियन डाइट पे। तो मैं, क्योंकि मैं शो करना चाहता हूँ कि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ना रहे कि अगर आप वेजिटेरियन है तो आप प्रोटीन सोर्सेज से कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट मील, ओट्स एंड मिल्क। इसमें 45 ग्राम्स ऑफ ओट्स था और 250 ml ऑफ मिल्क था और थोड़ा सा गुड़ डाला था मैंने। तो इसमें ये होता है कि अभी देखो, जिम जाने से 1 घंटे पहले मैं मील ले रहा हूँ। अब ओट्स तो एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, मुझे भी पता है, और ये टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, लेकिन मेरे केस में ऐसा उल्टा है, मेरे में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और मेरे को एनर्जी भी जल्दी मिल जाती है। तो मैं 7:30 बजे अभी मील ले रहा हूँ और मुझे 8:30 बजे जिम निकलना है, क्योंकि 1 घंटा देता हूँ प्री वर्कआउट के बीच में। तो ये हमारा प्री वर्कआउट मील था, उसको मैंने भी ख़त्म किया है। फिर जिम में आज लेग्स का सेशन है, तो लेग्स लगाएंगे आज। एंड बस यही था, एंजॉइंग दिस। तो ये मेरा एज़ यूजुअल टिपिकल इंडियन ब्रेकफास्ट है, इसमें कि 225 ग्राम्स ऑफ मूंग की दाल है, 3 रोटीज़ है, मतलब 150 ग्राम्स ऑफ रोटीज़ एंड सब्ज़ी, एंड फाइबर्स के लिए थोड़ा सैलेड था। ये रहेगा मेरा इवनिंग स्नैक, चलो सोयाबीन का कुछ तो बना रहे हैं भाई। अब इसमें कुछ मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी बॉल्स बना लो, छोटी छोटी चार। नीचे मैंने बस बहुत थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा घी लगाया है, और तुम इसको एयर फ्राई कर सकते हो 15 मिनट के लिए, या फिर गोल्डन ब्राउन होने के लिए दोनों साइड से कुक कर लेना बस, और उतना ही ऑयल तुम भी यूज़ करना जितना मैं करता हूँ, कोई हो जाता है भाई। अब यू गाइस, मैं आज की मैंने, मतलब मेरे पास ये लाइबिलिटी है कि मैं और भी उसमें ऑयल डाल सकता था और उसको फ्राई भी कर सकता था, क्योंकि एज सच मैं कैलरी सरप्लस में खा रहा हूँ तो कैलरी और ज़्यादा मिलती। लेकिन द पॉइंट इज़ कि मुझे जितनी भी कैलरीज खानी है वो मुझे न्यूट्रिशियस वैल्यू से मतलब लेनी है। ये नहीं है कि मैं जाके बर्गर्स खा लूँ सीधा बोल के, ये बोल के कि गेनिंग भी हो तो कुछ भी चलेगा, ऐसा मेरा माइंडसेट नहीं है। मतलब गेनिंग के मतलब 2 महीने होने वाले हैं, हो चुके हैं मुझे, और इन 2 महीने में मैंने आज तक मतलब सिर्फ संडेज़ को चीट किया है, संडे को चीट मील खाई है। एवरी नॉट एन सिंगल डे, जो भी मेरा वर्किंग डे होता है, नॉट अ सिंगल डे मैंने कभी भी ऐसे ट्रैश डाइटिंग की है। मैंने सारे मील्स मैं ट्रैक करता हूँ, ट्रैकेबल होते हैं और मिनिमल ऑयल में बने होते हैं, बस उसके न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उससे मेरी गेनिंग में बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं ट्रैश डाइटिंग में बिल्कुल भरोसा नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि वो आपकी मतलब वो साइंटिफिकली तो सही है कि कैलरीज तो देगा ही आपको कि आप बल्क अप कर सको, लेकिन आपके इंटरनल ह्यूमन बॉडी के लिए वो बहुत ही बेकार होगा। हाई शुगर लेवल का खाना खाओगे तो डायबिटीज़ होने की दिक्कत है, एंड हाई ऑयल खाओगे तो तुम्हारा लीवर फैटी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालने से अच्छा है कि अच्छा खाओ। एंड टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल यू हैव टू डेवलप द विल पावर हियर, सारा खेल इसका है भाई। जितना इसको ट्रेन करोगे कि तुम अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, वो उतना बार साथ देगा। सो यस, मोटिवेट होना है तो मोटिवेट हो जाओ, मैं बस बता रहा हूँ कि क्यों मैंने इतना ऑयल नहीं यूज़ किया पूरी जर्नी में। यस, तो अभी उसको बनने में थोड़ा 10-15 मिनट लगेगा बनेगा, और उसके साथ मैं बेसन का शीरा खाऊंगा और पीनट्स खाऊंगा, 3 चीज़ खाने टाइम लगता है। लेकिन भाई सैमसुलेक का मैं ब्लॉग लगा लेता हूँ और उसको देखते देखते ख़त्म हो जाता है भाई पूरा खाना। या तो फिर एनिमे तो मैं नहीं देखता अभी, एनिमे पहले नारुतो तक देखा था, उसके बाद AOT का क्या कहते हैं एपिसोड 1 मैंने देखा, और उसके बाद मैं भूल गया देखना ही उसको आगे, क्योंकि भाई अगर कोई मतलब
नरूटो जिन्होंने देखा होगा वो लोग थोड़ा रिलेट करेंगे कि अगर इतनी बड़ी एनीमे तुम इतने समय तक देख लिए हो, उसके बाद नई एनीमे को शुरू करने में उतनी स्पार्क नहीं मिलता है, अनलेस एंड अनटिल तुम ज़बरदस्ती 5-6 एपिसोड नए एनीमे का देखो, और उतना टाइम ही नहीं मिलता है भाई। तो इससे अच्छा सैम सुलेख के व्लॉग्स में मुझे हो गए कुछ 2-3 हफ्ते हो गए देखते हुए, एंड भाई आई एम इन लव विद दिस गाय। मतलब इसकी जितनी भी वर्कआउट से रिलेटेड टिप्स होती है ना, वो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है भाई। सारी मैंने अप्लाई कर रहा है अप्लाई किया, मैं कर भी रहा हूँ, 3 हफ्ते हो गए मुझे सैम सुलेख टाइप का वर्कआउट करते करते, एंड द रिजल्ट्स आर फकिंग एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग भाई। मतलब इसके ऊपर एक जल्दी वीडियो भी बनाऊंगा, थोड़ा सा और टाइम होने दो, थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर, फिर पूरा रिजल्ट जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सो दिस इज़ 40 ग्राम्स ऑफ पीनट्स, और इसके साथ थोड़ा मैं खाना भी ले लिया, अच्छा लगता है क्रंची व्रंची। और ये है मेरे सोया कबाब्स, ये है बिसंग चीला, और सॉस की जगह भाई मैं दही यूज़ कर रहा हूँ। और ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हमेशा ही मैं सॉस की जगह दही यूज़ करता हूँ, बस आज मतलब कुछ दिन कर लेता हूँ, ताकि मतलब वो ट्रैश डाइटिंग वाला भूत सवार रहा हूँ। और ये इसका पुराना वाला ब्लॉग है जो मैं कल देख रहा था, अभी नया वाला लगा रहे हैं, नया वाला लगा के देखूँगा। और हाँ मैं खाते हुए अपनी कोई पिक नहीं, मतलब वीडियो नहीं चलाऊंगा, जैसे बहुत सी यूट्यूबर्स करते हैं भाई, पता नहीं क्या ही मिलता है, मेरे को वीडियो शॉर्ट रखनी है। तो ये मील था, इसकी मैक्रोस चिपका दूंगा अभी, और मैं मील एंजॉय करता हूँ भाई। इतना सब खा लिया भाई, तो क्रिएटिन ले रहा हूँ, कोला फ्लेवर है, तो इससे थोड़ा लगता है कि हाँ अंदर माल पानी पचेगा अच्छे से। तो ये मेरा डिनर रहेगा, इसमें 100 ग्राम्स पनीर की बुर्जी है, 150 ग्राम्स ऑफ रोटी है, एंड 160 ग्राम ऑफ राइस था। फिर उसके बाद मीठे में मैंने ये पीनट बटर का 1 चम्मच गटक दिया अपनी स्वीट क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए। एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर फुल डे ऑफ ईटिंग। होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू डू सो सब्सक्राइब द चैनल।